नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं सैफ अली खान को अपनी पहली फिल्म में काम करने के लिए कितनी फीस मिली थी? दोस्तों, सैफ अली खान की पहली फिल्म की फीस जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं सैफ अली खान की पहली फिल्म की फीस। मगर दोस्तों, उससे पहले अगर आप सैफ अली खान के फैन हैं, इन्हें पसंद करते हैं, इनकी फिल्मों को पसंद करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि आपको फिल्म और इंटरटेनमेंट से जुड़ी सभी जानकारियां मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं, बात करते हैं सैफ अली खान की पहली फिल्म और उनकी पहली फिल्म की फीस के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें कि सैफ अली खान की पहली फिल्म थी परंपरा। जी हाँ दोस्तों, 1993 में आई परंपरा। इस फिल्म का डायरेक्शन किया था यश चोपड़ा ने और इसे प्रोड्यूस किया था फिरोज नाडियाडवाला ने, और इस फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा था आदित्य चोपड़ा और हनी ईरानी ने। और दोस्तों, इस फिल्म के स्टार कास्ट में आपको मुख्य किरदारों में नजर आए थे सुनील दत्त, विनोद खन्ना, आमिर खान, सैफ अली खान, रवीना टंडन, अश्विनी भावे और राम्या कृष्णा जैसे एक्टर्स। और दोस्तों, आपको बता दे कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। जी हां दोस्तों, फ्लॉप। और दोस्तों, अगर बात करें सैफ अली खान के फिलहाल में एक फिल्म की फीस की, तो दोस्तों आपको बता दे सैफ अली खान फिलहाल में एक फिल्म के लिए फीस लेते हैं लगभग 12 से 15 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, 12 से 15 करोड़। और दोस्तों, अगर बात करें सैफ अली खान की पहली फिल्म की फीस की, तो दोस्तों आपको बता दें कि सैफ अली खान को अपनी पहली फिल्म यानी कि परंपरा में काम करने के लिए फीस मिली थी लगभग 11,000 रुपए। जी हां दोस्तों, मात्र 11,000 रुपए। दोस्तों, आपकी सैफ अली खान की पहली फिल्म की फीस के बारे में क्या राय है, सैफ अली खान के बारे में क्या राय है और इस वीडियो के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और शेयर जरूर करें।